हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकिंग एंड अदर होम टिप्स पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डिश जो आपके पास बची हुई रोटी और खट्टी दही को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करेगी और एक परफेक्ट डिश बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। सो गाइज, इसके लिए मैंने ली हैं सुबह की बनी हुई और अब मैं शाम को बना रही हूँ दो रोटियाँ और एक परौठा, जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली हैं, और एक मग मैंने इसमें दही ली जो खट्टी है और बिलो ली है। मैंने कढ़ाई में दो चम्मच तेल डाला है, ये रिफाइंड तेल डाला है मैंने। इसको गर्म होने पर मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी पिसी हुई राई। आप चाहें तो इसमें राई के दाने भी डाल सकते हैं। और थोड़ा मैंने इसमें हींग डाला है और इसको मैं ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। अब फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाली है 1/4 टीस्पून हल्दी और अब मैंने इसमें ये रोटी के जो पीसेस किए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं और धीरे धीरे इनको हमें चलाते रहना है। थोड़ी देर हम इनको ऐसे ही फ्राई करेंगे। एक डेढ़ मिनट हम इसको ऐसे ही फ्राई करते हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। मैंने इसमें आधी चम्मच नमक की डाली है, आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है मिर्च पाउडर और अब मैं इनको चला रही हूँ। अब मैं इसमें ये जो मेरे पास दही रखी हुई थी दही डाल देती हूँ और इसको ठीक से मिक्स कर देती हूँ। ये हमें लगातार चलाते रहना है। और दूसरी गैस पर मैंने थोड़ा पानी बॉयल कर रखा है, वो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। एक गिलास के करीब मैंने पानी इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, आप इसमें पानी गर्म ही डालें, आप ठंडा पानी ना डालें, वरना आपकी डिश में वो टेस्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। और अब मैं इसमें ठीक से खदा लगा देती हूँ। इसमें ठीक से खदा लग जाए तो हमारी डिश बनकर तैयार हो जाएगी। ये फटाफट बनने वाली डिश है हमारी। अब मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूँ, अगर ये ठीक है। अब मेरे को इसमें थोड़ा सा खट्टा कम लगा है तो मैंने इसमें थोड़ी सी दही और ऐड कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा या थोड़ा सा कम, आप जो भी चाहें वो उसी तरह से आप बनाएं। अब ये देखिए, इसमें खट्टा पड़ने तक हम इसको ठीक से पकाते हैं। 4-5 मिनट ही हमें पकानी है। अब ये मेरी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें गार्निश के लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। फ्रेंड्स, इसको खाकर आप कढ़ी खाना भूल जाएंगे और आप इसको ज़रूर बनाकर देखें। और ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो। ये देखिए, इस तरह से होनी चाहिए। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें और बनाकर खाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।